प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज सुबह अचानक दिल्ली में मौजूद गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने माथा टेका और गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उनका ये दौरा अचानक हुआ। उनके गुरुद्वारा जाने के दौरान ट्रैफिक भी नहीं रोका गया, साथ ही वहां आम दिनों की तरह सुरक्षा व्यवस्था थी। इस दौरान कोई खास पुलिस का बंदोबस्त भी देखने को नहीं मिला। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान चक्का जाम का प्लान कर रहे हैं। इस बीच कानूनों के समर्थन में करीब 20,000 किसान आ गए हैं और गाजियाबाद में प्रदर्शन करने वाले हैं, ताकि सिंघू पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को गलत साबित किया जा सके। शनिवार को सोनिया के बुलावे पर एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें G23 ग्रुप के कुछ नेता भी शामिल हुए। इन्होंने असहमतियां जताई थी। बैठक में सीनियर बनाम जूनियर्स को लेकर बहस हुई, जिसमें राहुल ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वो वरिष्ठों का सम्मान करते हैं और उनमें से कई उनके पिता के साथ ही भी रहे हैं। इतना ही नहीं, कई नेताओं ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कोई पूछ नहीं है और न ही उनकी कोई अहमियत। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि किसान संघों और सरकार के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए रास्ता एक या दो दिन में निकल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसान संघ नेता हाँ या नहीं में उत्तर की मांग छोड़कर आगे आते हैं तो सरकार भी बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। आज वो बोलपुर में एक रोड शो करने वाले हैं। बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह ने धमाकेदार एंट्री की। TMC, कांग्रेस और CPI के कई बड़े नाम कल भाजपा में भी शामिल हो गए। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को कपकपाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के माउंट आबू में शनिवार लगातार 6ठे दिन बर्फ जमी, या -1.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। चुरू में पारा -0.1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत में आईफोन उत्पादन का काम देखने वाली ताइवानी कंपनी विस्टॉन ने शनिवार को अपने भारतीय बिजनेस का संचालन देख रहे उपाध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कंपनी ने यह कदम आंतरिक जांच में अपने यहां वेतन भुगतान की प्रक्रिया में गलती पाने के बाद उठाया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों से भी माफी मांगी है। इस वक्त ब्रिटेन से बुरी खबर आ रही है। यहाँ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगा है, जो कि पहले की तुलना में और भी अधिक तेजी से फैल सकता है। कोरोना के नए रूप का पता लगने के बाद ब्रिटेन में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। क्रिसमस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मूल के अरबपति BR शेट्टी अपनी कंपनी फ्लाबनर PLC को इसराइल UAE कंसोर्टियम को केवल $1 में बेच रहे हैं। शेट्टी की कंपनियों पर अरबों डॉलर का कर्ज है, साथ ही उनकी कंपनी के खिलाफ फर्जीवाड़े की भी जांच की जा रही है। यही कारण है कि फिनोब्लर का कारोबार मात्र 73 रुपए में बिक रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति जॉयर बोल्सोनारो का कोरोना वायरस वैक्सीन के खिलाफ हमला जारी है। यहां तक कि उन्होंने ये संदेह जताया है कि अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसकी जर्मन पार्टनर BioNTech की वैक्सीन से लोग मगरमच्छ या दाढ़ी वाली महिलाओं में तब्दील हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।